हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पाया जाखर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लक्ष्मी पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर मल्टीप्लाई 1/5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर विद ही पेंटेड ऑल एक्सपेक्टेड द बॉटम ऑफ द कैबिन। मीन्स देखिए कि गर्ल है, उसने पेंट किया है इसको, ओके इसने सारा पेंट कर दिया लेकिन बस बॉटम पेंट नहीं किया, ओके मीन्स जो इसका बॉटम है वो पेंट नहीं किया। सो आपको इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आपको क्या फाइंड नहीं करना, क्योंकि टोटल तो होगा नहीं, क्योंकि जब बॉटम भी इंक्लूड होगा जब भी हमारा टोटल होगा। सो इसका मीन्स इसमें हमारा टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं होगा, इसमें हमारा क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया। व्हाई? बिकॉज टॉप एंड बॉटम उसमें इंक्लूड नहीं होते लिटरल सरफेस एरिया में, इसलिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शी पेंटेड। क्या क्या पेंट किया उसने, फोर वॉल्स की, 1, 2, 3 एंड एक पीछे वाली, फोर वॉल मींस दीवारें। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये हो गया। देन प्लस, अब देखिए एरिया ऑफ टॉप, टॉप किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, ओके सो मींस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लगाएंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स का। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होगा, टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, देन प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, रेक्टेंगल मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ओके तो देखिए 2h, हाइट क्या है हमारी 1.5, अब लेंथ क्या है हमारी, लेंथ हमारी 2, देन प्लस सॉरी ये क्या हमारा है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 1, देन प्लस फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके तो देखिए आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई, थोड़ी देर पॉइंट हटा दीजिए, 15 टू सा 13 होता है, 13 पॉइंट कितने बाद है 1, तो 1 बाय पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद 2 प्लस हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, ओके सो देखिए इस 0 को हटा देते हैं अगर हम, तो क्या होता है पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 3 3 सा 9 प्लस 2 means यहाँ पे करते हैं 9 plus 2 is 11, okay means 11 means उसने 11 मीटर क्या क्या एरिया पेंट किया है, okay so this was question number 4, thanks।